सॉरी हर बार के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता हूँ, तो इस बार से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो है क्लास इलेवन के अंदर बच्चों से ज्यादा यानी कि लोगों से ज्यादा डाउट रहता है इलेवन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर उस टॉपिक के ऊपर अपन बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। ठीक है, टॉपिक क्या चाहिए पहले बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना जो है डाउट है, चार टॉपिक बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर ओनली फॉर क्या चार टॉपिक, और बिल्कुल क्या करूँगा बताया आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा पूरे टॉपिक आपके। ये चार टॉपिक के अंदर हमेशा किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम होती है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना इससे लिखते हैं, ओके नंबर वन टॉपिक है अपना, सॉरी सही ज़्यादा हो चुकी है ये, ठीक है ओके नंबर वन टॉपिक है उसका नाम है सैलरी, सेकंड वेजेस, थर्ड है अपना क्रेडिटर और फोर है अपना डेटर। ठीक है, तो ये जो चारों है ना सबसे मेन है, और यानी सबसे ज़्यादा टॉपिक सबको यानी कि जो भी कंफ्यूजन होता है ना ये इन चारों के अंदर ही होता है। ये सैलरी का मतलब सैलरी और वेजेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, और क्रेडिटर और डेटर के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये किसको नहीं पता चलता है। ठीक है, तो अपन ये पूरा इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। फर्स्ट अपन देखेंगे कि सैलरी और वेजेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अपन डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं सैलरी, सैलरी की बात की जाए वेजेस की बात की जाए। ठीक है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और समझेंगे नहीं, इजीली समझ में आएगा नहीं आपको इस वीडियो के अंदर। सैलरी होती है किसको देते हैं अपन सैलरी, एक सीन समझिए। पहले आप जो एज्यूम को बोलते हो एज्यूम कीजिए, ये मान लीजिए आपका एक, ओके मैं समझा दूँ, ये मान लीजिए आपका एक ऑफिस है। ठीक है, ऑफिस है, अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि ऑफिस है, तो ऑफिस के अंदर ऐसे तो नहीं कि आप ये लेबर को बुलाओगे, लेबर को बुलाने वाले तो नहीं रहे। ठीक है, आप किसको बुलाओगे यानी जो यानी कि अच्छे पढ़े लिखे होगे यानी कि एजुकेटेड पर्सन, किसे बुलाओगे आप यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन। अब एजुकेटेड लोगों को आप बुलाओगे, ये सीधी बात है, आपको भी पता है मुझे पता है कि कोई भी होगा तो एजुकेटेड पर्सन को बुलाऊंगा मैं, यानी कि ये घरों को नहीं बुलाऊंगा मेरे ऑफिस के अंदर वर्क करने के लिए। ठीक है, ये मेरा ऑफिस है। अब सीन क्या हो रहा है इधर, एजुकेटेड पर्सन है तो ये क्या काम करता है अपने, ये एजुकेटेड पर्सन होगा तो वही अपने ऑफिस के अंदर अच्छे तरीके से काम करवाएगा, अगर जो अनएजुकेटेड है ये लेबर अनएजुकेटेड है तो ये अपने ऑफिस के अंदर काम भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन किसको लेंगे एजुकेटेड पर्सन को। ठीक है, तो एजुकेटेड पर्सन को लेंगे अपन इसके अंदर, तो अपन इसको यानी कि अब आपको एक चीज़ समझ, ऑफिस वर्क कौन करता है वो चीज़ बताइए, ऑफिस वर्क लेबर नहीं करते, ऑफिस वर्क करता है स्टाफ, ये चीज़ याद रखना, स्टाफ वर्क करता है ऑफिस के अंदर, वर्क करता है स्टाफ। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक और दूसरी चीज़ समझाता हूँ आपको, एक और चीज़ समझिए, ये है एक बिल्डिंग है, ओके कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करते हैं, एक बिल्डिंग है अपने पास। ठीक है, हाँ एक बिल्डिंग है, ओके अब सीन ये हो रहा है कि बिल्डिंग के अंदर आपको यानी कि कुछ वर्क करवाना है, वर्क मीन्स कि बहुत सारा फर्नीचर करवाना है आपको, या बहुत सारे वर्क है, फर्नीचर है या मार्बल है, बहुत सारे टाइप के वर्क है। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्क करवाना है आपको, तो आप किसको बुलाओगे सबसे, आपको ऑप्शन देता हूँ, आप फिर कमेंट के अंदर मुझे सही जरूर आंसर जरूर दे देना। ठीक है, आप इसको वर्क करने के लिए आप किसी स्टाफ को यानी कि स्टाफ को बुलाओगे यानी कि ऑफिस के, या लेबर को बुलाओगे, सबसे बड़ी बात है ये वर्क कौन करेगा, लेबर करेगा, सीधी बात है। देखिए पढ़े लिखे लोग, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, सीधी बात समझिए आप, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो यानी ये बिल्डिंग का लेबर का काम पढ़ा लिखा आदमी नहीं करेगा, तो स्टाफ ऐसे कट गया। ठीक है, बचा कौन, लेबर। ठीक है, तो लेबर काम करेगा इस बिल्डिंग के अंदर, या कोई भी घर हो गया, किसी भी के अंदर बात की जाए, तो वर्क कौन करेगा इधर, लेबर। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, अब ये समझिए क्या चीज़ वो समझाता हूँ, आप समझ क्या गए होगे मेरे हिसाब से। देखिए कि स्टाफ और लेबर के यानी कि डिफरेंस समझे, यानी कि आप इसके अंदर समझे क्या है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बारे में, एजुकेटेड पर्सन की वैल्यू और अनएजुकेटेड क्या वर्क करता है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड लोग वर्क क्या करते हैं। एजुकेटेड लोग होते हैं वो यानी कि ऑफिस के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, अनएजुकेटेड मीन्स के लेबर, वो वर्क करते हैं किसके अंदर, आपको पूरा क्लियर हो इस वजह से मैं वीडियो को थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ। लेबर किसके अंदर वर्क करते हैं आपको पता होगा, बिल्डिंग्स हो गई है, ये बिल्डिंग्स हो गई यानी कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिल्डिंग्स हो गई, या हाउस के अंदर वर्क करते हैं, बहुत सारे टाइप के वर्क होते हैं। ठीक है, ये लेबर। ठीक है, अब इसके अंदर बात क्या आती है, अपन की मेन टॉपिक क्या था इसके अंदर, अपना मेन टॉपिक ये है इसके अंदर, ये वेजेस क्या है, वेजेस किसको देते हैं और सैलरी किसको देते हैं। ठीक है, वेजेस और सैलरी अपना मेन इस टॉपिक यही है। तो वेजेस और सैलरी की बात की जाए तो सीन ये होता है लेबर की और एक ये स्टाफ की बात करते हैं। अब आपने कभी यार ऐसा सुना है क्या कि अपन लेबर है, देखिए अब जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा तो क्या बोलेगा कि लेबर को अपन को क्या देना है सैलरी, और स्टाफ को आप वेजेस थोड़ी दोगे, स्टाफ को क्या दोगे सैलरी। अब सीन समझिए, सीन क्या हो रहा है इधर, मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आप यानी कि देख जाओ, सीन गई लेबर होता है वो सैलरी, उसको सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, लेबर को जो मिलता है उसे हम बोलते क्या वेजेस, जो वेजेस मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हफ्ते थे या तो हफ्ते यानी कि वीकली यानी कि वर्क देते हैं, तो वीक के अंदर पैसे दे देते हैं, या भले पैसे कुछ भी दो, बन लेबर को जो है मेन टॉपिक या डिफरेंस ये है यानी लेबर के अंदर और स्टाफ के अंदर, जो लेबर होती है ना ये क्या करते हैं पता है, ये फिजिकल वर्क करते हैं। फिजिकल वर्क मीन्स बताता हूँ आपको, फिजिकल वर्क का मतलब होता है कि फिजिकल वर्क मतलब कि यानी बिल्डिंग्स के अंदर कुछ भी काम करते हैं तो खुद करते हैं काम, यानी कि बहुत सारा इनको कि अपना हाथ पैर तोड़ तोड़ के इनको काम करना पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वेज हमारी इनके काम के अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि रिस्क है, लाइफ रिस्क है इसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है लेबर का काम। ठीक है, फिजिकल, और इसी जगह बात की जाए स्टाफ की, तो स्टाफ को क्या करना है, ये एक चेयर है अपने पास, ये चेयर के ऊपर बैठो
और आराम से बैठे बैठे वर्क करो, बस इतना सा काम है स्टाफ के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या करना, जो स्टाफ होता है वो किससे वर्क करता है, वो मेंटली वर्क करता है, इससे मेंटली वर्क करता है, समझे। तो सीन ये होता है कि लेबर और एजुकेटर के अंदर सीन क्या होता है, लेबर होते हैं वो फिजिकली वर्क करते हैं, कौन सा वर्क करते हैं, फिजिकली, फिजिकल वर्क करते हैं, और ये होते हैं जो ये फिजिकल करते हैं और ये मेंटल करते हैं, मेंटली ये लेबर करता है और ये स्टाफ करता है। ठीक है, तो अब समझ जाना कि जो वेजेस होते हैं ना ये किसे मिलते हैं, लेबर को। ठीक है, वेजेस लेबर को मिलते हैं और स्टाफ को क्या मिलती है, सैलरी। तो ये चीज़ आपको समझ आओगी कि वेजेस और सैलरी के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डेटर और क्रेडिटर का डिफरेंस क्या होता है। डेटर और क्रेडिटर के अंदर समझा दीजिए, सीन ये होता है, डेटर मतलब, डेटर का मतलब समझिए, डेटर मतलब होता है, डेटर का, डेटर का मतलब समझ जाओगे तो आप क्रेडिटर भी समझ जाओगे। डेटर मतलब ये है कि आपने ये चिंटू, ठीक है, ये चिंटू है और ये पिंकू है, ये पिंकू और ये है चिंटू, इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यानी एग्जांपल अच्छा देता हूँ आपको, चिंटू और ये पिंटू है, पिंकू है सॉरी। अब सीन क्या हो रहा है इन दोनों के बीच के अंदर, चिंटू ने पिंकू को दिए है 5,000 रुपये उधार। ठीक है, उधार क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए, अलग चीज़ है, क्रेडिट। 5,000 रुपये दिए चिंटू ने पिंकू को, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चिंटू को मैं जो अकाउंटिंग के लैंग्वेज के अंदर मैं क्या बोलूँगा, इसे क्या बोलेंगे, यानी कि अपन इसे पैसे मांगते हैं बस, ये ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर उसे बोलते हैं डेटर, जिससे हम पैसे मांगते हैं। मीन्स लिखिए मतलब क्या है इसका, जिससे जिससे हम पैसे मांगते हैं, जिससे पैसे मांगते हैं वो हमारा डेटर कहलाता है। डेटर मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर एक लॉजिकल चीज, अब एक लॉजिकल चीज अभी आपको समझ आ जाएगा सब चीज़। ठीक है, इसी के ऊपर समझ रहे, तो डेटर जिससे हम पैसे मांगते हैं, जो जिससे हम पैसे मांगते हैं उसे हम डेटर बोलते हैं। अब क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर मतलब क्या होता है, कि क्रेडिटर मतलब, देखिए डेटर का मतलब कि जो हम जिससे पैसे मांगते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर मतलब कि कोई कोई दूसरा आदमी आपसे पैसे मांगता है, या आप किसी, देखिए डेटर मतलब कि आप समझिए वापस, डेटर मतलब कि आप किसी आदमी से पैसे मांगते हो अपने। ठीक है, और क्रेडिटर मतलब कि आपने किसी से पैसे लिए। ठीक है, तो आप उसके क्रेडिटर हो गए, समझे, समझ ही नहीं आ रहा होगा आपको, आपको समझा। तो क्रेडिटर और डेटर के अंदर डिफरेंस ये होता है, आपको अच्छे से समझूंगा तो इधर समझ में आएगा। ठीक है, ईजिली समझिए आप, डेटर जो हमसे पैसे, जिससे हम पैसे मांगते हैं, जिससे हम पैसे मांगते हैं उसे बोलते हैं हम डेटर, और क्रेडिटर जो हमसे पैसे मांगता है, जो हमसे पैसे मांगता है उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। जो हमसे पैसे मांगते हैं उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं, और जिससे हम पैसे मांगते हैं उसे हम डेटर बोलते हैं। क्रेडिटर, डेटर, डेटर, ये सब चीज़ मेरे हिसाब से आपको इजीली और अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। हमने आप इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें समझी वो मैं लिख कर बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमने समझा था इसके अंदर वेजेस, सेकंड सैलरी, थर्ड डेटर, फोर क्रेडिटर। ये मैंने आपको ये चारों चीज़ें बिल्कुल फुल एक्सप्लेन हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल इजीली मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।